झारखंड के दुमका जिले में केंद्र सरकार की तरफ से चलाया जा रहा स्वच्छता मिशन दम तोड़ता दिखाई दे रहा है। यहाँ इस योजना के तहत बने ज्यादातर शौचालय सरकारी कागजों में भले ही उपलब्धि के रूप में दर्ज हों, लेकिन जमीन पर ये किसी काम के नहीं, क्योंकि एक तो इसकी दीवार और छत इस कदर कमजोर है कि इसमें शौच के लिए जाते लोगों को इसके अपने ऊपर गिर जाने से बड़ी दुर्घटना होने का डर सताता है। दूसरे, इसमें से ज्यादातर में टंकी ही नहीं है। जिला के विभिन्न प्रखंडों में शौचालय की इस बदतर स्थिति को देखने के बावजूद जब हमारे संवाददाता ने अधिकारी से इस बात की तो उन्होंने भी अपनी जांच में ऐसी ही स्थिति पाए जाने की बात कही और संबंध विभाग में इसके दोषी ठेकेदार या एनजीओ पर कार्यवाही की अनुशंसा करने की बात कही। शौचालय भी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत दुमका सदर प्रखंड में किया जा रहा है और शौचालय बन भी रहे हैं और कई बार उसको क्षेत्रीय कर्मचारियों के द्वारा या मेरे द्वारा भी उसका निरीक्षण किया गया है। और ऐसा ही एक अनियमितता की जानकारी मुझे राजवान पंचायत में मिला था और मैंने वहाँ स्थल पर जाके जांच किया था, लाभुक से बात किया था और उसमें यह बात आई थी कि जो स्वयं सहायता समूह जिसको दिया गया था कार्य करने के लिए उनके द्वारा सही मापदंडों के तहत काम नहीं किया जा रहा है और भुगतान भी सही तरीके से नहीं किया गया उसमें, तो इसके लिए हमने एक जांच रिपोर्ट्स भी बना के पेयजल स्वच्छता विभाग के यहाँ जो दुमका सदर में है जिला में उनको भेजा है और उन पर कार्रवाई करने के लिए हमने अनुशंसा भी किया है उनको, क्योंकि अभी भी उनके स्तर से बहुत सारे शौचालय का निर्माण होना बाकी है, तो इसीलिए चूँकि उनके द्वारा काम में रुचि नहीं लिया जा रहा था, काम में गुणवत्ता भी नहीं था और इसीलिए हमने वो बजरंग स्वयं सहायता समूह है यहाँ पर काम कर रहा था जिसको कि पेयजल स्वच्छता विभाग से दिया गया था उनको हमने उनको ब्लैकलिस्ट करने के लिए हमने अनुशंसा किया है और उसके बाद कार्रवाई करने के लिए भी अनुशंसा किया है। गुणवत्ता में क्या कमी पाई है आपने वहाँ? गुणवत्ता में काम किया गया, जो एक मापदंड बना हुआ है स्वच्छ भारत मिशन के तहत उस प्रकार से कार्य नहीं किया गया, दरवाजे सही नहीं थे, उसके छत का ढलाई सही नहीं था, दो दो लीचपीट गड्ढा होते हैं वो सही नहीं था और कार्य अधूरा था, अधूरा कार्य को पूरा दिखाने का प्रयास किया जा रहा था, ये भी एक मामला सामने आया था जिसके लिए हमने उनको ब्लैकलिस्ट करने के लिए अनुशंसा उनको किया है। सरकार की योजनाएं जनकल्याण के लिए होती हैं लेकिन कई बार जब इसमें माफिया तत्व हावी हो जाते हैं तो ये जनकल्याण के लिए नहीं होती, क्योंकि इसमें पैसे का बंदरबांट हो जाता है और जो चीज़ें धरातल पर रहती हैं वो उपयोगी नहीं होती हैं। अब पैसे का बंदरबांट इसलिए हो जाता है कि माफिया का उन भ्रष्ट राजनेताओं, उन भ्रष्ट नौकरशाहों से संबंध रहता है जिनको इन सब चीज़ों पर नियंत्रण रखना है, इसमें जो गड़बड़ियां हैं उसको देखना है, लेकिन जब वही लोग गड़बड़ियों को नहीं देखते हैं तो फिर जो लोक कल्याण के उद्देश्य हैं सरकार के वो अधूरे के अधूरे पड़े रह जाते हैं। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।